साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतों न भविष्यति था। यह अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल तीन सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सबके बीच एक और लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा।